दोस्तों, पिछले दिनों एक वाकया हुआ जो सोशल मीडिया पर तो थोड़ी बहुत चर्चे में रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने उसको जिस तरीके से कवर करना चाहिए था कवर नहीं किया। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उस वाकये की कुछ सच्चाइयां आपको बयान करूं। उदगीर नामी एक गांव जो डिस्ट्रिक्ट लातूर में है महाराष्ट्र में, उसमें एक पुलिस वाला जिसका नाम शेख यूनुस है, उसको बहुत बुरी तरीके से कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में आकर मारा। रीजन सिर्फ ये था, कारण सिर्फ ये था कि कुछ सेंसिटिव प्लेसेस होती हैं, कुछ सेंसिटिव जगह होती है जहां पर किसी भी तरीके की धार्मिक कहें पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना मना होती है। तो इसी तरीके से एक पॉलिटिकल कोई शिव जयंती का उन्वान था, शिव जयंती मनाई जा रही थी, तो मनाने के लिए किसी जगह का परमिशन मांगा गया और वो सेंसिटिव प्लेस था, तो पुलिस वाले ने उस जगह की परमिशन नहीं दी, प्रशासन ने उस जगह की परमिशन नहीं दी। उसकी वजह से एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन से निकालकर बहुत बुरी तरह मारा गया और मारकर उसको पूरे गांव में भगवा झंडा उसके हाथ में देकर उसको जो है पूरे गांव में घुमाया गया और उसको बेइज्जत किया गया। और जिस जगह की परमिशन नहीं दी थी उसी जगह पर जाकर उसके हाथों से झंडा लगाया गया। और सबसे बड़ी बात जो उसमें ये हुई कि इस पूरे वाकये में 1 से 1.5 घंटे तक ये तमाशा और खेल चलता रहा, लेकिन एक पुलिस वाला नहीं आया। 1 घंटे में तो आर्मी आ जाती है, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे तक ना कोई पुलिस वाला बचाने के लिए आया, ना कोई और प्रशासन का जिम्मेदार आया, और ये शरपसंद अपना काम करते रहे, दहशत फैलाते रहे और एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को इतनी बुरी तरीके से मारा। तो मैं खासतौर पे प्रशासन से और होम मिनिस्ट्री, चूंकि हमारे चीफ मिनिस्टर के अंडर में है होम डिपार्टमेंट, इस वक्त चीफ मिनिस्टर खुद हैंडल कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वो अपने पर्सनल इसके ऊपर जो है इस इश्यू को ले और पुलिस से और आईजी से इसकी रिपोर्ट तलब करें। और हमने इस बारे में हाई कमांड से, स्पेशली जो है वो हमारे मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जितने हमारे आमदार है, खासदार है, उनको हमने अप्रोच किया है कि इस मामले को पूरी ताकत से उठाया जाए पार्लियामेंट में, असेंबली में, और उस शेख यूनुस के को इंसाफ दिलाया जाए। मैं इस वीडियो के जरिए से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कहता हूं कि ये दादरी से बड़ा वाकया है। वो पुलिस वाला था न था, लेकिन वो एक इंसान था। कुछ साल पहले आजाद मैदान में एक पुलिस वाले को मारा गया था, एक प्रोग्राम हुआ था, तो कुछ राजनीतिक दलों के लीडरों ने बड़ी बड़ी पैदल मार्च निकाला था गिरगांव चौपाटी से और बहुत बड़ा उसके ऊपर हवा खड़ा किया गया था कि भाई पुलिस वाले को मारा गया, तो ये भी तो पुलिस वाला है। आज राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल जिन्होंने उस वक्त बड़े 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 पैदल मार्च निकाले थे, मैं आज उनसे भी कहता हूं ये भी पुलिस वाला है। इसकी भी आवाज उठाए और इसको इंसाफ दिलाए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक हमारी ताकत, हमारी आवाज जा सके। थैंक यू वेरी मच।